अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। तो आज हमने नाश्ता बाहर से मंगवाया है, ये है जी चने की दाल और ये हैं जी लच्छे वाले पराठे, और मैंने चाय बना दी थी। तो ये दाल है, ये पराठे हैं और ये साथ में चाय है। बड़ा के साथ ही टी वी पे कुछ लगा रही हूँ मैं। ये वाली बेड शीट है, मैंने उतार दी। ये इसका डब्बा ये वाला है, अभी मैं खोल के आपको नहीं दिखाऊंगी। जब ना मैं इसको ड्राई क्लीन करवा के तो इधर बिछाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखें बच्चों ने जो गंद डाला हुआ है, तो अभी मैं ये ड्राई क्लीन के लिए भेजने लगी हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये मैं चिकन लेकर आई हूँ, ये बोनलेस चिकन अलग से लेकर आई हूँ, ये दूसरा एक अलग चिकन लेकर आई हूँ। मैं चिकन कढ़ाई शाम को बनाऊंगी। मोहम्मद देखा अंदर कितना रो रहा है यार। इसके अलावा आटा डाल के रखा हुआ है, ये भी बनाना है। और इसके अलावा मैं अभी एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैं कुछ सब्जियाँ लेकर आई हूँ। सब्जियाँ कौन सी हैं? नॉर्मल जो सब्जी होती है वही है। थोड़ा सा लहसुन लेकर आई हूँ, हालांकि मेरे पास देसी लहसुन पड़ा हुआ है, लेकिन वो छीलना है, बाकी उसको बहुत टाइम लग जाता है, मैं इसलिए ये वाला लहसुन ले आई हूँ थोड़ा सा। बाकी इसमें टमाटर हैं, मेरे पास ज़्यादा सारे एक साथ ही 2 किलो ले आई हूँ। और ये आलू हैं, ये पुदीना है और ये प्याज है। तो अभी मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। अच्छा, मेरा जो देसी लहसुन है ना, वो बस थोड़ा सा ही रह गया है, तो अभी वो ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं ये वाला यूज़ करूँगी। उसको छीलना बड़ा मुश्किल होता है यार। हाँ, मैंने एक दफ़ा छील के काफ़ी ज़्यादा रख लिया था, तो उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है, काफ़ी दिन तक चलता रहा है। तो अभी बस वो थोड़ा सा रह गया, आई थिंक 2-3 उसकी जो उनसे ना वो रह गए हैं। तो अभी मैं ये वाला ले आई हूँ। इसके अलावा मैं ये चीज़ें बाकी अपनी जगह पर रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ना लाल मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया है, बसार मसाला ख़त्म हो गया है। मैं बसार यूज़ करती हूँ, उनको मैंने पहले भी बताया था। तो ये अब इसके 2 पैकेट थे, 1 पैकेट यूज़ हो चुका है फाइनली, और अब मैं दूसरा ओपन करने जा रही हूँ। बड़ा मज़े का होता है ये जी। सारी सब्जियां मैंने धो ली हैं, ये टमाटर पुदीना शुदीना सब कुछ, कितना प्यारा लग रहा है ये देखें, कलरफुल सा। तो अभी मैं ना रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी झटपट तैयार करें उसको और लंच में बच्चों को दें और ख़ुद भी बना कर खाएँ, बड़ा मज़ा होगा, बड़ा मज़ा आएगा। आटा भी गूंदना बाकी है, तो मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ जी। ये मैंने बोनलेस चिकन की आई थिंक 7-8 बोटियाँ ले ली हैं, ठीक है। उनको मैं छोटा छोटा कट कर लिया। मैं इसमें ये तिक्का बोटी मसाला ऐड करने जा रही हूँ, मेरे पास ये पड़ा हुआ था। अगर आपके पास नहीं है, आप घर के ही मसाले ऐड कर लें, नो इशू। मेरे पास पड़ा था, मैंने कहा इसको यूज़ कर लेती हूँ, तो ये इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लिया, मैंने कहा चम्मच से छोड़ें, हाथ से मिक्स कर लिया। बाकी के जो मसाले मैंने इसमें ऐड करने वो कर देती हूँ। थोड़ा सा इसमें सूखा धनिया ऐड करूँगी और थोड़ी सी इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, बस और कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। आज इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसके अलावा 2 दत मैंने लीमू ले लिए, लीमू इसमें मैंने चोड़ लेती हूँ। लीमुओं का रस में निकाल लेते हैं इस तरह से। मैंने अपना चिकन रेडी कर लिया, मैं इसको कवर कर देती हूँ, 1/2 घंटे के लिए रख देती हूँ और फिर अब बाकी का काम करती हूँ। अच्छा जी, मैं आटा गूंद रही हूँ पानी में, ना गर्म करके आटा गूंदती होती हूँ सर्दियों में। इससे ये होता है आटा बड़ा नरम, बड़ा प्यारा सा हो जाता है, नरम नरम हो जाता है, रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो आटा अभी मैं गूंद लूँ, फिर बाकी की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बड़े मज़े की रेसिपी है, असल में मैंने आपको बताना तो भूल गई हूँ, बना रही क्या हूँ। मैं बना रही हूँ जी टिक्का रोल। टिक्का रोल ये है कि आप टिक्का कोयले वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है मेरे पास, तो मैं टिक्का फ्लेवर मैंने इसमें एडजस्ट किया है। अगर आपके पास इस तरह का कोयले वगैरह का सिस्टम हुआ तो आप कोयले भी ऐड कर लीजिएगा, नो इशू। तो पहले मैं ये आटा गूंद लूँ, फिर मैं इसके ना पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि मैं पराठे का बनाऊँगी रोल। आपकी मर्ज़ी, आप मैदे से भी बना सकते हैं, नो इशू, पर बेहतर यही है ना, अगर आपने पेट भर के खाना है, एक ही आपके लिए काफ़ी होगा, तो आप ना इस तरह की रोटी का ही रोल यूज़ करें, मैदे का ना करिएगा। तो मैं चलें आटा गूंद लेती हूँ, फिर आपसे बाकी की रेसिपी शेयर करती हूँ। बोतल ली थी, सॉरी भाई शोर हो रहा है, बोतल एक ली थी मैंने। इसमें मैं चटनी बनाती हूँ जो मैंने उसके ऊपर पेस्ट लगाना है। इसमें मैंने 1 अदद सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी है, ये इतना सा मैं इसमें ऐड करूँगी जी। पुदीना सेम इतना ही, थोड़ा सा मैं इसमें सब्ज़ धनिया, आप अपनी मर्ज़ी से बनाइएगा, ठीक है ना, जितना आपको चाहिए। मैं तो एक ही पराठा एक ही रोल बनाऊँगी, तो मैं इतना इतना जस्ट ले रही हूँ।
ये इतना ज़रा सा मैं इसमें लहसुन ऐड करने जा रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसमें तकरीबन 2-3 चम्मच पानी ऐड करूँगी, और मैं अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने इसको ऑन तो किया हुआ, अब देखते हैं क्या होगा। चलो जी, इसकी बैटरी लो हो गई है, मैंने इसको चार्ज ही नहीं किया, इसको मैं चार्ज कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है, इसी में कर दिया है, वो बंद हो गई थी मशीन मेरी। और मैं इसमें अब ऐड करूँगी दही, थोड़ा सा ऐड करूँगी, जस्ट जितनी मैंने बनानी है। इसको मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखें, बड़ी मज़ेदार सी मेरी चटनी भी रेडी हो गई है, मतलब सॉस बोल लें जो हमने उसके ऊपर लगानी है रोल के ऊपर, तो ये भी रेडी हो गई। अभी इसमें नमक ऐड करना है हसबे ज़रूरत, ऐड करती हूँ। नमक ऐड करने जा रही हूँ हसबे ज़रूरत, ऐड किया है मैंने, और बस ये मेरी रेडी हो गई है। अब मैं इसको साइड पर कर देती हूँ और अपना पराठा रेडी कर लेती हूँ। अच्छा जी, मेरा चिकन आधा घंटा हो गया, आटा भी मैं जब तक कैरी भून लेती हूँ, तो चिकन को मैं ज़रा इधर फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा। ये मेरे पास एक छोटा पैन पड़ा हुआ था, तो मैं इसी में थोड़ा सा मैंने ऑयल घी डाल दिया है, सॉरी घी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अब बाकी इसमें ना ये चिकन ऐड कर देती हूँ। चिकन ऐड कर दिया, और मैं इसको अब लो फ्लेम पर ही पकाऊँगी, और इसको मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ। अच्छा जी, ये मेरा पराठा रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इस पे ये लगाऊंगी अपनी चटनी जो मैंने बनाई है, सॉस बोल रहे हैं जिसको इस तरह से लगा दूंगी, पूरे पूरे पे लगा देती हूँ यार। ये मैंने लगा दिया, अब मैं क्या करूँगी, ये जो बोटियाँ मैंने बनाई हैं, तिक्के बनाए हैं मैंने ये देखें लग रहे हैं ना, तिक्कों की तरह ही लग रहे हैं, तो ये मैं इस तरह से इसमें ऐड कर देती हूँ। ये हो गया, अब इसको एक इस तरह से रोल बनना करना है, यहाँ से राउंड करना है और एक यहाँ से करना है, और ये मैं टूथपिक से इसको फ़िलहाल स्पोर्ट के लिए बंद करने जा रही हूँ। तो ये था मेरा रोल, मज़ेदार सा ये मेरा रोल रेडी हो गया। देखें, मेरा रोल रेडी हो चुका है, मतलब थोड़े से इंग्रेडिएंट से आप कितना मतलब ज़बरदस्त किस्म का रोल बना सकते हैं। यही वाला रोल आपको कमर्शियल मार्केट से 500 का मिलेगा, अब इतना एक्सपेंसिव उन्होंने कर दिया, तो मैंने तो आपको घर पे बनाना सिखा दिया। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। चले, मैं लंच कर लेती हूँ जी। खाना मेरा रेडी हो चुका है, देखें कितना मज़ेदार सा रोल लग रहा है मेरा, तो मैं अभी ये खा लेती हूँ, और साथ में नुशी को मैंने छोटी सी पराठी बना के उसमें थोड़ी सी चिकन की बोटियाँ ऐड कर दी हैं, वो खाएंगी अभी। तो चलें अब खाना खा लेते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद मैंने ऋषि को ने लाया था, और मैंने ना इसको ये वाले कपड़े पहनाए हैं, कितनी प्यारी माशाल्लाह लग रही है। तो इसको फिर मैंने दूध दिया, ये सो गई, और ये जनाब अब उठ गए हैं। इधर देखो, इधर अब आप उठ गए हो, और मैंने अपने लिए पानी रखा हुआ है शावर के लिए, और इसके अलावा मैंने सारी सफाइयाँ कर दी हैं, और पोछा वगैरह भी लगा दिया, आज बाहर से भी मैंने सफाई की है। तो अभी मैंने ना पानी अपना मेरा गर्म हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी का जो पेस्ट है ना वो बना के रख लेती हूँ, तो फिर नहा कर फिर कॉफ़ी पीऊँगी। ये कॉफ़ी मैं उस दिन लाई थी, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, आप यकीन नहीं करेंगे। और ये वाला था मिक्सचर, कॉफ़ी मिक्सचर है, और इसमें मैंने ना, मुझे पता नहीं था यहाँ पे सेल डलते हैं तब ये जाके चलता है, तो मैंने सेल डाले हैं, तो अब ये चल रहा है, ये देखें मैंने कभी यूज़ नहीं किया ना असल में यार। तो मैं अभी कॉफ़ी अपने लिए वो पेस्ट जस्ट बना लेती हूँ, फिर कॉफ़ी तो नहाने के बाद पीऊँगी। देखें, ये देखें, आज खोल रही हूँ मैं इसको, और अभी मेरा दिल कर रहा है भी पी लूँ क्योंकि मैंने ना एक फ़र्स्ट टाइम जस्ट पी, और मुझे इतना कोई दिल आ गया है इसका कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये थोड़ा सा मैंने पानी गर्म कर दिया, अब मैं इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी ऐड करूँगी और 1 चम्मच ही चीनी ऐड करूँगी। ये मैंने ऐड कर दिया, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, इसमें रेडी कर दिया। अब मैं अपने लिए कपड़े निकाल लेती हूँ, ये वाले ठीक रहेंगे। अच्छा जी, शाम का टाइम हो चुका है, मैंने ये सारे काम वगैरह ख़त्म कर लिए हैं। ये देख रहे हैं ऋषि को तंग कर रही है बहुत ज़्यादा, और एक ये जोनसा है ना, ये उससे भी ज़्यादा तंग करता है। ओह भाई, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ऋषि के लिए नूडल्स रखे हुए हैं, और ये मैं दाल बना रही हूँ, मूंग की दाल मैंने भिगो के रखी हुई है, और बाहर का मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें,
भाई आई थिंक अभी 5:30 हुए हैं और अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है भाई यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। देखते हैं, ये देखें इसके काम, ये भी मेरे पीछे पीछे आ गई है। ये देखें भाई के काम, बाहर देखें मतलब इतनी। चलो मोहम्मद ने अब क्या काम शुरू किए, मैं जागता है तो मुझे बिल्कुल कोई काम नहीं करने देता है, कहता है बस उठा के रखो बेटा, हट जाओ बंद करो इसको, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है हद से ज़्यादा। इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। मेरी हालत थोड़ी खराब हुई हुई है क्योंकि मैंने सुबह से मतलब काम नहीं लगी हुई हूँ, मैंने तो टाइम ही नहीं मिला। अभी देखती हूँ क्या करूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बोलो अल्लाह हाफिज़, अरूश की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।